कर दोस्तों, पता है भारत ने बनी ऐसी 10 फिल्में जिसका बजट सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की इस कंपटीशन की दुनिया में हर कोई अपने नाम का जादू पीछे छोड़ जाना चाहता है। आए दिन कोई नई नई फिल्में थिएटर में रिलीज़ होती रहती है, कुछ चल पाती है, कुछ बॉक्स ऑफिस पर गिर जाती है। उन्हीं में से कुछ ऐसी 10 फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना रिकॉर्ड तोड़ के अपना नाम बनाया है, और उसका रिकॉर्ड भी ऐसे है कि उस फिल्म का जो बजट है वो बहुत ही ज़्यादा है। चलो तो मैं शुरू करता हूँ नंबर 9 से। उसके पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, इसे नए नए इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। नंबर 10 पर है रेस 3। बहुत सारे स्टार, बड़े बड़े स्टार थे। ये फिल्म आई थी 2018 में, और इस फिल्म का बजट, इस फिल्म का जो खर्चा है वो 185 करोड़। नंबर 9 पर है हीरो, जो शाहरुख खान की फिल्म है। ये फिल्म 2018 में वो रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी, और इस फिल्म का खर्चा है 200 करोड़। चलते हैं आगे। 8 नंबर पर है शैरा नरसिम्हा रेड्डी। ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म है जिसका शूटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये इस साल में रिलीज़ होने वाली फिल्म है, और इस फिल्म का खर्चा भी 200 करोड़ है। अब चलते हैं 7वें नंबर पर। ये फिल्म है हमारे सलमान भाईजान की। इस फिल्म में उनके साथ कटरीना कैफ ने भी काम किया है, और इस फिल्म का नाम है टाइगर जिंदा है। ये फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी, और बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सारा अच्छा माल बना जमाया लिया था उसने। इस फिल्म के बजट की बात करें तो ये 210 करोड़ में बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म के गाने काफ़ी अच्छे थे। चलते हैं अगले बिग बजटेड फिल्म की तरफ, जो हमारे नंबर पर है 6, और ये फिल्म है पद्मावत। जिस फिल्म में अच्छा गाने थे, ड्रामा था, लव स्टोरी थी, और इस फिल्म में काम किया है रणवीर सिंह और उनकी वाइफ यानी कि दीपिका पादुकोण ने। इस फिल्म के खर्चे के बारे में बताएंगे तो इस फिल्म का पूरा खर्चा था 215 करोड़। 5 नंबर पर है हमारे बच्चन साहब और आमिर खान की गॉड्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें कैटरीना कैफ ने भी काम किया है। ये फिल्म 2018 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का बजट 300 करोड़ है। काफ़ी ज़्यादा बजट है ना। इस फिल्म के गाने अच्छे थे ना, इतना बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ काम कमाल नहीं दिखा पाई। 4 नंबर पर है हमारे लड़कियों के चहेते, हर लड़की के दिल में बसने वाले प्रभास की फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन। ऐसी फिल्म हमने पहले कभी देखी नहीं हुई थी। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे तो लग रहा था कि मैं बार बार उस फिल्म को जाके थिएटर में देख लूँ। ऐसे करते करते 2 बार मैंने वो फिल्म देख ली, जो 2017 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का बजट था 300 करोड़। इतना बड़ा सेट बनाया है कि अभी वो सेट को देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। रामोजी फिल्म सिटी में इस सेट को रखा गया है। 3 नंबर पर है फिर से लड़कियों की दिलों की धड़कन, और आने वाले सब लोगों को इसकी बहुत ही ज़्यादा आतुरता थी वो फिल्म देखने के लिए, और वो फिल्म है शाहो, जो इस साल अगस्त में रिलीज़ हो जाएगी 15 तारीख को, यानी कि स्वतंत्र दिन के अवसर पर उस फिल्म का रिलीज़ होने वाला है, और इस फिल्म का बजट है 315 करोड़। दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 2 पर, और ये नंबर 2 की फिल्म है, एक तमिल फिल्म है जिसका नाम RRR है, RRR, और इस फिल्म का बजट है 320 करोड़, और ये फिल्म 2020 में रिलीज़ होने वाली है। अब तक इस फिल्म की शूटिंग ख़त्म नहीं हुई, इस फिल्म की शूटिंग जारी है, अभी भी शुरू है उसके लिए, वो 2020 में रिलीज़ होने वाली है। चलते हैं जिसका इंतज़ार था कि 1 नंबर पर, और ये 1 नंबर पर फिल्म है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि अपना जो सारे इंडिया की धड़कन, सारे बॉलीवुड की धड़कन, हॉलीवुड की धड़कन, टॉलीवुड की धड़कन, हमारे रजनी अन्ना यानी कि रजनीकांत यानी सुपरस्टार, मेगास्टार यन्ना रास्कला माइंडेड, अपने एक्टिंग की जलवे दिखाने वाले रजनी अन्ना, और उनकी ये फिल्म है नंबर 1 पर। उस फिल्म का नाम है 2.0, और उनके साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी काम किया है। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2018 में, और इस फिल्म का बजट था, कुल खर्चा था 543 करोड़। दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के सबसे, इंडिया की सबसे ज़्यादा बजटेड वाली फिल्में जो हमने आपको बताई। चलो, ऐसी फिल्में आते रहे,
और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा जो फिल्म कौन सी फिल्म ज़्यादा पैसों से बनी हुई है, कौन सी कम पैसों से बनी हुई है। ऐसे ही कुछ खास वीडियोस बनाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।